अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वर्षिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ब्रह्मोस अटैक इन पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ब्रह्मोस अटैक इन पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जय हिंद। पिछले एक हफ्ते से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाके हिट कर गई, और लोग का कहना है वो जानबूझ की या नहीं की, ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि हिट किया क्यों, इसको समझते हैं लोग। देखिए, पाकिस्तान में हमारे यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल जो थी फायर की गई और वो पाकिस्तान में जाके गिर गई थी। और ये गिरी थी जब वहाँ पर, तो वो एक नॉर्मल से जगह पर गिरी थी जिसका नाम था मियाँ चानू। 9 मार्च को ये जाकर यहाँ पर हिट हो गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। वहाँ दो चार को घर और था, किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन था, उड़ गया घरे द्वार। यहाँ पर वहाँ के लोग डर गए कि आखिर ये हुआ क्या है। तो उसके बाद वहाँ पर जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं ISPR, कहीं पे भी देखेगा तो एक PR ऑफिसर होता है, PR पब्लिक रिलेशन। यही लोग सारे लोग पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं, जैसे मीडिया वाले के पास भी एक पूरी की पूरी PR टीम होती है। अब किसी मीडिया वाले को मान के हमारा इंटरव्यू लेना है, खान सर का इंटरव्यू, तो उन लोग को क्या पता, वो अपने PR टीम को बोलेंगे कि खान सर का नंबर निकालो, बताओ कहाँ बात करना है। तो वो PR टीम ही काम करती है। तो हर डिपार्टमेंट का एक PR ऑफिसर होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वही बताता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक तरह का प्रवक्ता होता है। तो इन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी में एक पता नहीं अनआइडेंटिफाई कोई ऑब्जेक्ट घुस गया, 4 मिनट तक उड़ते रहा, प्रोजेक्टाइल था वो, आया गिर गया, किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई है, हमने उसे पूरी रडार में ट्रैक किया, आके वो यहाँ पे गिर गया। ये इन लोग का स्टेटमेंट था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि भारत से मिसाइल लॉन्च किया गया था, लेकिन ये दोनों देशों में विवाद न हो जाए इसलिए भारत सरकार के पहले से एक समझौता है 1999 का, 21 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच एक लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन। इसमें कहा गया था कि अगर दोनों सेनाओं की ओर से अगर कभी भी गलती से कोई मिसाइल या हमला हो जाता है तो वो लोग हॉटलाइन पे बात करके इसका कंफर्मेशन कर देंगे कि जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ है, इसकी अवगत करा दिया जाएगा। तो उसके लिए भारत की ओर से हॉटलाइन पे बात करके बता दिया गया पाकिस्तान को 2 दिन बाद कि भैया हमारी ओर से गलती से चला है। अब यह हॉटलाइन क्या होता है, ये हॉटलाइन फोन में कभी रिंग नहीं बजते। आप जैसे मोबाइल में डायल करते हैं किसी को, सबसे पहले बोलेगा नमस्कार, भारत ने 150 करोड़ कोविड टीकाकरण पार कर लिया, 175 करोड़, उसमें ये सब कोई रिंगटोन नहीं होता है, वो फिक्स होता है करना कहाँ है। हॉटलाइन होते हैं उसमें 4-5 नंबर ही, मतलब लिमिटेड नंबर होते हैं, वहीं फ़ोन करना, एक बार फ़ोन करेंगे तो पटाख से वहाँ लग जाएगा। वो हमेशा इमरजेंसी में होता है। अगर हम कहीं किसी पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कोई नॉर्मल आदमी हमको कॉल करेगा तो उसको वेटिंग बता देगा, लेकिन अगर हॉटलाइन से कॉल करेगा तो जिससे हम बात कर रहे हो तो उसका फोनवा कट जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास आदेश। तो ये हॉटलाइन दो देशों के बीच में होता है। मुख्यमंत्री जब कॉल करते हैं तो हॉटलाइन से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, तो हॉटलाइन से भारत सरकार ने उन्हें बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। शुरुआत में ये मामला दब गया था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उनकी तो मेरी बेइज्जती हो गई, किसी ने आया पूरा बजा के चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये भाई साहब ये कर रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे हम, कैसे मिसाइल आया और ऐसे हमारे देश के अंदर घुस गया 124 किलोमीटर। अब ये मामला लेके जाएंगे यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएंगे, रूस से कहेंगे, चाइना से कहेंगे, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देशों से कहेंगे। इन लोग का कहना है कि यूएनओ तक में ये मामला उठेगा कि आखिर ये मिसाइल आया क्यों। ये गधा पाकिस्तान उसी चाल में फंस गया जिसमें हम इसे फंसाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान इस पर बवाल करे और ये मामला इंटरनेशनल हो, लेकिन इन गधों के यहाँ पता नहीं कोई इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाता भी है कि नहीं, इन गधों को कुछ नहीं पता, ये हल्ला कर दिए हैं। एक्चुअल में ये मिस फायर नहीं था, ये डायरेक्ट फायर किया गया था जानबूझ के। हम आपको कुछ प्रूफ देते हैं, आप समझिए क्यों डायरेक्ट फायर किया गया था। यह मिसाइल जब उड़ती है हरियाणा से, तो यहाँ से लगभग हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से 2 मिनट तक इंडिया में रहती है, फिर ये कर्व करके पाकिस्तान में जाती है, 4 मिनट तक ये पाकिस्तान में फ्लाई करती है। अब ये बताइए, जो मिसाइल ऑपरेटर इसे 4 मिनट तक फ्लाई कर रहा है, तो भारत में जो मिसाइल ऑपरेटर उसे भी पता है कि वो इंडिया का बॉर्डर छोड़ दिया और पाकिस्तान में जा चुका है। तो पहला बात कि जब वो 4 मिनट तक दुश्मन की टेरिटरी में घुसा कैसे, ये इंडिया वाले को तो पहले से पता था। एक और गलती क्या थी, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग सिस्टम होता है, जब कभी भी मिसाइल अपने रास्ते से भटकता है तो उसे मिसाइल के अंदर ऑटोमेटिक एक डेटोनेटर लगा होता है जो मिसाइल को रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उस मिसाइल का एक ऑपरेटर रूम होता है, उस ऑपरेटर रूम से उस मिसाइल को फायर किया जाता है। फायर करने के बाद वो ऑपरेटर इस मिसाइल को रडार पर देखता है, अगर रास्ता भटकता है तो सेल्फ फायर कर देता है। इस मिसाइल को सेल्फ फायर नहीं किया गया, बल्कि ऑपरेटर चुपचाप देख रहा था, मजा मार रहा था कि घुस गया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चला गया है 124 किलोमीटर तक। तो एक ये दूसरा प्रूफ
और भी कई सारे प्रूफ हैं, तो समझिए कैसे। ये नक्शा पाकिस्तान ने जारी किया, पाकिस्तान हमने ये जारी किया पाकिस्तान ने। इसमें जो तीर का निशान है ये दिखा रहा है मिसाइल किस तरह आया और कैसे ये यहाँ से जाकर यहाँ मियाँ चन्नू पे जाके गिर गया। यहाँ पर देखिए कैसे मिसाइल ने सबसे पहले अपने से अगर मिस फायर होगा तो सीधे जाएगा, अपने से मिस फायर होगा तो सीधे, ये टर्न नहीं मार सकता है अपने से, माल फंक्शन की वजह से, गड़बड़ी की वजह से 90 डिग्री का कर्व नहीं मार सकता जब तक उसको पाथ फाइंड नहीं किया गया होगा, पहले से नहीं बताया गया। तो पहला 90 डिग्री टर्न अपने से नहीं मार गया होगा। दूसरा, इस मिसाइल में कोऑर्डिनेशन फिक्स था, किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उसका GPS लोकेशन कोऑर्डिनेशन फिक्स किया जाता है कि यहीं पर जाना है, लेकिन इसमें कोई बारूद नहीं था। देखिए अमूमन यही होता है कि पहले उसमें बारूद यानी वारहेड भरा जाता है, पहले उसमें वारहेड भरा जाता है, तो इसमें वारहेड था नहीं। जब वारहेड भर दिया जाता है तब उस मिसाइल में फीड किया जाता है कि इस मिसाइल को जाना कहाँ है, तो इस मिसाइल में जाना कहाँ है ये फीड कर दिया गया था और वारहेड नहीं फीड किया गया था, और जाना भी कहाँ है मियाँ चन्नू पे, यहाँ ना कोई स्ट्रेटजिक लोकेशन है ना कोई सेना का स्कूल है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जानबूझ के भारत ने मिसाइल का वारहेड हटाया कि किसी की जान माल की हानि ना हो, और ऐसे जगह को चुन लिया जहाँ कोई स्ट्रेटजिक महत्व नहीं है कि बवाल ना होगा, बस हमें मिसाइल घुसा के बवाल करना था, भयंकर बवाल नहीं कराना था। एक और देखिएगा, इस मिसाइल को अगर देखेंगे तो 104 किलोमीटर से ज़्यादा ये भारत में रही है, 124 किलोमीटर गई है, उसके बाद भी ये एक्स्ट्रा गई है, यानी इस मिसाइल की रेंज जो थी वो 290 किलोमीटर ही है, इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर, लेकिन ससुराई ब्रह्मोस मिसाइल बाद 320 किलोमीटर कैसे चल गया, लगभग ये 30 से 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। देखिए ये पाकिस्तान का ही नक्शा ही दिखा रहा है कि 33 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया बवाल है भैया, रेंज से 33 कैसे, तो कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो जब रेंज खत्म हो जाता तो आराम से गिरता है, तो ब्रह्मोस और आगे गया था यहाँ पर। इस दौरान भी इसे सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, यानी भारत से बैठ के ऑपरेशन टुकुर टुकुर देख रहा था, जानबूझ के किया गया है इसको। अगला देखिए और भी, ये खुद पाकिस्तान कर रहा है उसको समझाते हैं, ये उनके ISPR है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR, समझ में आ गया ISPR, समझो थोड़ा नहीं पता अभी आपने। पहला इनका कहना है कि हम उस पर नज़र बनाए हुए थे, देखिए इन निकम्मों को, इसके देश में 124 किलोमीटर कोई मिसाइल घुस गई, इसको ये लोग अपने रडार में बस नज़र बनाए हुए थे, ये खुद कह रहा है कि हमने बस उसको ट्रैक किया उसको 124 किलोमीटर, क्योंकि उस मिसाइल की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी 3 मैक की थी कि हम उसे मार के नहीं गिराए। जबकि जब भी कोई एयरफोर्स में कोई दूसरी देश का जहाज या कुछ भी हॉस्टाइल सिचुएशन में कोई चीज़ इंट्री करता है तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर SOP जो कहता है कि सबसे पहले उसको मार के गिराओ, इन लोगों ने मारा नहीं वहाँ पर। 124 किलोमीटर जब ये घुसा है तो कई बड़े शहरों के ऊपर से क्रॉस करके गुजरा है, कई हाई वैल्यू टारगेट को क्रॉस करके गुजरा है, क्या पता वहीं गिर जाता। तो इससे ये साबित हो जाता है कि इनके पास ब्रह्मोस को मार के गिराने की क्षमता है ही नहीं, वरना इतने हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर से गया है वहीं गिर जाता तब क्या हो जाता, ब्रह्मोस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी इनके देश के ऊपर से इतनी बड़ी मिसाइल चली गई। ये लोग केवल और केवल बेशरम लोग कह रहे हैं कि हम उसे ट्रैक कर रहे थे, करते रहो ट्रैक, यहां से इतना डिग्री कर्व मार के तुम्हारे यहां आके गिर गया। पाकिस्तान इसे मार के गिरा भी नहीं सकता क्योंकि ब्रह्मोस 3 मैक से चलती है, इसके पाकिस्तान के पास चाइनीज रडार है, इन चाइनीज रडार की हेल्प से इसके पास दो तरह के मिसाइल क्षमता है, एक HQ-7 है, ये 30 से 40 किलोमीटर की दूर की मिसाइलों को मारता है, एक HQ-9 है, ये लगभग 150 किलोमीटर मार सकता है, ये दोनों चाइना का है, इन सबको पता ही नहीं चला कहाँ चल गया यहाँ पर, इन सब किसी काम का नहीं। अब इससे चाइना भी घुस गया है क्योंकि उसका ऑर्डर दे रखा था, चाइना पूरी दुनिया को ऑर्डर दिया था कि भैया हमारा HQ-9 डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है ले लो, अब पूरी दुनिया ने उसको ऑर्डर कैंसिल कर दिया, इससे जो तोरा कोने काम का मिसाइल है, भारत का ब्रह्मोस घुस गया है वहाँ पर, अब ये घुस आया है पाकिस्तान के ऊपर, इससे जो तो पाकिस्तान इसको कह रहा है तोरा मिसाइल फायर नहीं हुआ तो हम क्या करें, अब फिलिपीन ने ऑर्डर दे दिया था ब्रह्मोस को, अब वियतनाम भी कह रहा है हमको भी चाहिए, इंडोनेशिया कह रहा है हमको भी चाहिए, ताइवान कह रहा है हमको भी चाहिए, अब ब्रह्मोस एकदम जबरदस्त है यहाँ पर। अभी भी किसी को डाउट होता है कि भारत से ये मिसाइल गलती से छूट गई है, अभी भी मन में डाउट है तो दिमाग लगाइए, हम आपको मिसाइल छूटने के 10 दिन पहले अपना एक वीडियो का छोटा सा क्लिप बना दिखाते हैं जो यूक्रेन मुद्दे पर बताए थे, उसको जरा ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि भारत ने ये मिसाइल जानबूझ के मारा था। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दें कि रूस का साथ दें, इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए, मान के चलिए हमारे दो बहुत करीबी आदमी हैं, उन दोनों का ब्याह पड़ गया, तू कह रहा है कि हमारे ब्याह में आना, तू कह रहा हमारे ब्याह में जाएगा, तो भैया हम एगो में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा, एक काम करते हैं कोई दिन हम अपना ब्याह कर लेते हैं, वाले बातें खत्म हो जाएगा, भैया हम अपने ब्याह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे, सबसे अच्छा तरीका है मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए,
गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइनिया वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा ए बोलना रे रूस को, हम कुछ ही करें, हम तो खुदे लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे, तो हमला दोनों शांत के शांत रहेगा। आपको क्या लगता है भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं उलझा देना चाहिए? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो, उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। अब समझ में आ गया, हम लोगों को इस इंटरनेशनल कचड़ा में नहीं पड़ना था कि रूस का साथ दे कि यूक्रेन का दे कि नाटो का कि अमेरिका का, इसलिए हम खुद बोले थे कि भारत को कहीं ना कहीं हमला कर देना चाहिए ताकि हम लोग खुद ही इंटरनेशनल प्रेशर से बच जाएं। आज पूरी दुनिया नहीं कर रही है कि आप हमें जेलेंस्की का साथ दीजिए, नाटो का साथ दीजिए, कुछ नहीं कर रहा है। अब हम लोग यूक्रेन मायने से हट गए क्योंकि पाकिस्तान इसे इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है और हम लोग बच गए यहाँ पे। मोदी जी कभी कभी मेरी बात मान लेते हैं, कभी कभी, लेकिन बहुत कभी कभी बहुत बवाल के बाद मानते हैं। अभी देखिए पिछली बार रेलवे में पूरा बवाल हुआ तब जाके उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें भी दो चार परसेंट इधर उधर करिए दिए हैं वहाँ पर भी रेलवे वाले में। और एयरफोर्स की वैकेंसी अभी रिजल्ट अभी तक रोक के रखे हैं। भैया ये एयरफोर्स वाले हैं, इन लोग को पढ़ा पढ़ा हम लोग बैठे हुए हैं, भेजिए उड़ाए सब जहाज मारे सब यहाँ पर, कितना लोग को हम लोग रोक के रखे यहाँ पर। तो कम से कम एयरफोर्स की तो रिजल्ट वा क्लियर करना चाहिए। मान जाते हैं मोदी जी बतिया, जैसे हमला करने वाला कैसे बोले 10 दिन में मान गए यहाँ पर, तो कभी कभी मानते हैं कभी कभी नहीं मानते। अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम इस मिसाइल का रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे, दुर्बल कहीं का रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। जब भारत ने इतना स्ट्रेटजी बना के मारा था तो देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग में जहाज का मेन चीज क्या होता है, उसका इंजन, पूरा इंजन तबाह हो गया, इंजन पूरी तरह तबाह हो गया। जो सीकर होता है, जो रडार होता है आगे, वो जहाज के अगवे लगा रहता है, वो थुथुर में पूरी तरह से उधिया गया है यहाँ पर। इसका जो सॉफ्टवेयर है, बिना सॉफ्टवेयर का जहाज उड़बे नहीं करता है, बिना सॉफ्टवेयर का मिसाइल नहीं उड़ सकता, मोबाइल कामे नहीं करता बिना सॉफ्टवेयर के, इनके सॉफ्टवेयर कहाँ है? तो अभी भी मिसाइल को देखिए, मिसाइल अपने से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, जानबूझ के इसे छोड़ा गया। तो पाकिस्तान कह रहा है ये किस धातु का बना है ये हम पता कर लेंगे। रे ससुराल लोल, अगर तुम ये पता कर लेगा किस धातु का है तो तुम अभी तक बना चुका रहता कि किस धातु का है। धातु पता करके बता, इंटरनेट पे मिलता है, हमरा से पूछ लियो, आके हमसे पूछ लियो। केमिस्ट्री में जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, धातु कर्म चैप्टर पढ़ाएंगे, धातु शोधन, सांद्रण, निस्तापन, भंजन, वहीं बता देंगे मेटलर्जी में तुमको। ब्रह्मोस का खोजेंगे लोल कहीं का, कौन सी बचल है ब्रह्मोस में, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये बवाल कहेगा हमने ब्रह्मोस का कॉपी बना लिया, अमेरिका के टॉमहॉक का हमने कॉपी किया था, हमने कॉपी बना लिया। ऐसा कुछ कॉपी नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत ही टफ इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर। आपका आगे का जो रैमजेट इंजन है ये बर्बाद हो चुका है, फ्यूल सिस्टम बर्बाद हो चुका है, प्रोपल्सन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, नेविगेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। खाली खोपड़िया मिलेगा तो ये बना लेंगे मिसाइल, यहाँ पर गुलेल बनाना है, देख के बना लेंगे लोल कहीं के यहाँ पर मिसाइल बना लेंगे। और तुम बना, भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे, चांदीपुर में परीक्षण करते थे, व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे, फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था। अभी नया नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे ब्रह्मोस वगैरह का। और पाकिस्तान का नया सरदर जो है ब्रह्मोस जो है वो नेवी से तो मार ही सकता है, एयरफोर्स से मार ही सकता है, जमीन वाला तो अभी ये मार के गया है। इसका नया खतरनाक वर्जन ब्रह्मोस 2 आ रहा है जो 800 किलोमीटर मारेगा, यानी पाकिस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान हेल के अफगानिस्तान है हेल कजाकिस्तान चल जाएगा वहां पर। ब्रह्मोस 2 आ रहा है, इसका बाप है ये ब्रह्मोस का, अभी इसी से नहीं लड़ पाए तो दादा आ रहा है। दूसरा ब्रह्मोस NG आ रहा है, बहुत हल्का रहेगा और बहुत दूर तक मारेगा। तो तुम ससुरे, एक तो तुम्हारे बाप के बस की बात है नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि बचा ही कहाँ है। अगर उस तरह से देखिएगा तो हम तो वियतनाम को, फिलीपीन को बेचे हैं, वही बना ले रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इतना आसान है तो हम लोग राफेल खरीद के लाए, नहीं बन जाएगा। और तुम्हारा रिवर्स इंजीनियरिंग इतना तगड़ा है तो चाहे अमेरिका से तुम F-16 जहाज खरीदे हो, तुम उसको 20 साल से उड़ा रहे हो, अब बैल आज तक तुम अपने जहाज J-17 का एक तो इंजन नहीं बना पाए, कौन सी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो? मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओगे कि हमारे पास ब्रह्मोस 2 आ गया, ब्रह्मोस का कॉपी आ गया है, तो जो एक बस का कुछ नहीं है, ये बस मेकअप करेगा, चौथे शादी की तैयारी करेगा ये आंटी जी। खैर चाचा है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, बैल कहीं का तुम सुधर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी। इसको 1 साल से हम समझा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर, इससे कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे भारत ने जानबूझ के मारा था यहाँ पर ब्रह्मोस, इसी बहाने ब्रह्मोस का सक्सेस भी हो गया, डिमांड भी बढ़ गया। और आप लोग का जो बैच था
इकोनॉमिक्स था, लगभग इसमें एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे एक इकोनॉमिक्स में, क्योंकि सर्वर में जगह नहीं है। एलडीसी वाला बैच है, इसमें जीएस भी है, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी। एसएससी सीएचएसएल का है, उसका टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है आप लोग के लिए, बहुत जल्दी अभी आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। मैथ का क्लास भी पीके सर स्टार्ट कर दिए, पूरा फाउंडेशन से एकदम लो फी रखा गया है वैसे बच्चों के लिए जो हाई फी नहीं दे सकते हैं, अभी वो 10 दिन क्लास ऐसे करके देख सकते हैं उसको, एकदम नॉमिनल है। जो मतलब हमारा तो पूरा उद्देश्य ही रहता है कि गरीब से गरीब तक को शिक्षा दी जा सके। आई होप आप पूरा इंसिडेंस को समझे होंगे, जिन बच्चों को एडमिशन लेना होगा वो ले लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। अच्छा पहले तो मुझे ये लगा कि मिस फायर था, बट अभी क्लियरली बताया गया है वीडियो में हाँ सर, जिस तरीके से फोन की बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया कि मिस फायर नहीं था, तो मैं हैरान हूँ। पहले तो मुझे यही लग रहा था कि मिस फायर हुआ होगा, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि समझें टेस्टिंग के लिए था, और बहुत सारी उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स देकर भी समझाया कि मिस फाइट नहीं था, जानबूझ के फाइट किया गया था। अच्छा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, जिसमें आपने कहा भी था डिनाई करते हुए कि नहीं, आवाम के कहने से क्या होता है, जो करना होता है वो पॉलिटिशियंस या हुकूमत या ISPR वाले करते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था कि आवाम के नज़दीक, मतलब उन्होंने तो यही बोला था कि मिस फाइट हुआ है कोई मसला नहीं है, लेकिन आवाम में बहुत ज़्यादा मतलब तैश और गज़बनाक हो रहे थे ये लोग, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे ये लोग कि जी ऐसे कैसे, उन्होंने अगर मिस फाइट भी किया तो ऐसे कैसे किया, क्या वजूहत थी, क्या नौबतें थी इसकी बिना पर उन्होंने मिस फाइट किया, वो क्या कर रहे थे, पूरी हमें डिटेल बताइए आप। तो उस पर अब जैसे कि खान सर ने कहा कि उनमें एक्शन लेने का कहा है, और फिर भी UNO भी जा रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्शन ले रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पहले कुछ और बात थी मिस फाइट वाली बात थी, और अब बिल्कुल टोटली नक्शा ही चेंज हो चुका है कि बात कुछ और थी, तो इस बात को मैं सही से जज नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा खान सर ने सारी बातें डिटेल से बता दी कि हमारा ये फायर करने का मकसद क्या था, डिटेल से सारी बात बता दी कि हम लोगों ने ये फायर क्यों किया है, ताकि जो यूक्रेन और रशिया वाला मामला चल रहा है उसमें हम ना उलझें, और हमें UNO का और नेटो का और यूरोपीय यूनियन का जो प्रेशर है एक तरह से कि आप किसकी साइड हो क्लियर करें। तो खान सर ने खुद ही अपनी पुरानी वीडियो का भी एक क्लिप सेंड किया, बीच में लगा के बता दिया कि हम तो ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा अपने ज़ाती मसले में कहीं उलझें, ताकि बाहर का जो प्रेशर है या बाहर का जो एक कहीं ना कहीं आपने आपको डिनाई करना है कि हम रूस के साथ हैं या यूक्रेन के साथ हैं, आपको कहीं ना कहीं जवाब देना है। तो एक तो खान सर ने ये थोड़ा सा डिटेल से समझाने की कोशिश की कि हमारा ये मिसाइल खुद ही फायर करना है और फायर करने की वजह क्या है। अच्छा पाकिस्तान अब इस इशू को UNO में लेके जाएगा और मज़ीद इस पर बात होगी कि हमें इंडिया से जवाब चाहिए कि कैसे फायर हो गया। अच्छा मैं एक चीज़ और समझता हूँ कि जिस कंडीशन में यूक्रेन और रशिया की वॉर को लेके, मैं खान सर की ही वीडियो को मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, जिस वॉर की वजह से जिस सिचुएशन में इंडिया है, सेम यही सिचुएशन पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान पे भी उसी तरह का प्रेशर है कि आप खुल के रशिया का विरोध करें, रशिया के ख़िलाफ़ आएँ, रशिया के बारे में बात करें कि रशिया ये गलत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान भी वो चीज़ नहीं कर रहा, इंडिया भी वो चीज़ नहीं कर रहा, रशिया के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। दोनों ही देश इस वक्त न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारे ही देश ज़्यादातर ये चाहते हैं कि हम ना उधर रहें ना उधर रहें। कुछ देश तो वैसे ही यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, तो वो तो चाहे कुछ भी है वो यूरोपीय यूनियन ही में रह सकते हैं, लेकिन जो देश ना इधर है ना उधर है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि आज ये जंग है कल नहीं है, तो हम फिर कहाँ खड़े हैं, फिर हमारे खारिजा पॉलिसी, फिर हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात कहाँ होंगे। तो मैं इस तरह समझता हूँ कि हो सकता है कि दोनों की ही प्लानिंग हो कि हमें अपने थोड़े से मामलात को उलझाएं, या हम एक दूसरे से थोड़ा सा उलझें, क्योंकि हमें भी वहाँ से खतूत आ रहे हैं नेटो से, यूरोपीय यूनियन से, UNO से, कि आप विरोध करें रशिया का। वो तो उनका तो फोकस यही है कि रशिया के ख़िलाफ़ बात करें, रशिया का मना करें, या रशिया को फोर्स करें, या रशिया के साथ ताल्लुकात कट करें। सेम इंडिया के साथ भी यही मामला है। इमरान खान ने अपनी एक स्पीच में भी कहा था कि हमें आप लोग ख़त लिख रहे हो, या हमें आप बार बार कह रहे हो कि आप रशिया के ख़िलाफ़ खड़े हो, तो क्या आप इंडिया से भी ये बात कर रहे हैं? दोनों देश इस वक्त सिचुएशन में थे। अच्छा इसका मैं प्रूफ इस तरह दे सकता हूँ कि ये बात वाकई ही एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट होगा मिज़ाइल वाला, वो इस तरह मैं दे सकता हूँ कि जिस जगह वो मिज़ाइल आया वहाँ पर
किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी भी किस्म की मतलब है कि वहाँ पे एक आबादी नहीं थी, वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, वहाँ पे एक ऐसी इमारत थी जहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, वो इमारत ज़मीन दोस हो गई, वो इमारत को नुकसान हुआ। अगर इंडिया अपने यहाँ से मिज़ाइल फेंकता है और उसे नहीं पता उसने कहाँ जाना है, तो उसे कैसे पता कि वो मिज़ाइल कहाँ लगे जहाँ पे किसी को जानी नुकसान ना हो, जहाँ पे आबादी को नुकसान ना हो, ना कोई कीमती अराजी टूटे, यानी कि एक बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है, कोई बहुत ही खूबसूरत बंगले बने हुए हैं वो टूट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद शायद शायद, फिर मैं कहूँगा, मेरी बात को समझिएगा, शायद हो सकता है कि इस तरह से एक प्लानिंग की गई हो और फिर अब UNO में भी दोनों की रजामंदी से वो इशू उठा के लेके जाएँ ताकि हम कुछ टाइम तक UNO के साथ उलझ रहे हैं। ये कह भी रहे हैं कि हम चाहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर ये चले मामला। और दूसरी बात ये, आपकी जो बात है, आपकी कह रहे हो कि दोनों की रजामंदी से हुआ होगा, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस जगह पे हो रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेट ही इस तरीके से किया और 4 मिनट तक उन्होंने डिटेक्ट कर लिया था। आप थोड़ी सी बात को समझें कि जब 4 मिनट तक उनको पता था कि एक प्रोजेक्टाइल हमारी कंट्री में आ चुका है, हमारी टेरिटरी में आ चुका है, तो उसके बाद उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, उसके बाद उसको क्यों नहीं मार दिया? और 4 मिनट तक, वही मैं कह रही हूँ, उसी बात को कह रही हूँ कि 4 मिनट तक वो घूमता रहा और उसके बाद वो बाकायदा उन्हें कहा कि अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता तो वो एक ही सीट में जाता ना, वो 90 डिग्री के कर्व में घुमा भी है, यानी कि बाकायदा उसको वो चला रहे थे। और उसके बाद उन्होंने एक गुंजान बिल्कुल सुनसान इलाके में जाकर मियां चन्नू वहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, दूसरी बात इसी से रिलेट करते हुए मैं एक और बात ये सोच रही हूँ कि जब ये जो ऑफिसर थे हमारे, इन्होंने जब बताया था इस प्रोजेक्टाइल के बारे में, या बस इन्होंने कहा एक ऑब्जेक्ट आ गया है, अब इसकी जांच पड़ताल हो रही है, इसको हमने ट्रैक तो कर लिया था हमारे रडार्स ने, लेकिन ये खुद ही फिर बाद में ब्लास्ट हो गया और ज़्यादा मतलब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान नहीं हुआ, तो इनका जो बोलने का एक रिएक्शन था ना, एक होता है गजबनाक होकर गुस्से में कि किसी और कंट्री ने ऐसा किया तो किया कैसे, नहीं, ये बहुत ठंडे बहुत लाइटली थे। और मैंने इससे पहले एक और वीडियो में ये बात करते हुए कहा भी था कि उनका रिएक्शन बहुत लाइटली बहुत ठंडा था, तो आवाम को तो हर बात नहीं पता होगी, आवाम इसलिए उछल रही होगी कि वाकई ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, ये तो हमारी बड़ी जलालत है। लेकिन ऊपर के मामला जो हैं, ये जो मिनिस्टर्स के हैं, ये तो उनके आपस के, ये वो आवाम के सामने नहीं ला सकते, रिवील नहीं कर सकते, इसको छुपाएंगे वो। UNO में भी जो जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जैसे कि खान साहब ने कहा, हम भी यही चाहते थे कि मामला बढ़े और ये भी बढ़ा रहे हैं, ठंडा करने के बाद क्यों बढ़ा रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं है। जब आपने लाइटली लिया तो उसके बाद आप क्यों उसको उठा रहे हैं? बिल्कुल, कि जाहिर सी बात है कि जब रशिया वाला मामला जितना बढ़ेगा, जितना उनकी तरफ प्रेशर आएगा, तो उतना ही अपने आप में हम उलझेंगे, जितना वहाँ से प्रेशर आएगा। अच्छा, एक न्यूज़ चल रही थी, उसके अंदर एक न्यूज़ एंकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे रशिया और यूक्रेन का मामला लेकर, तो उसके बाद जब पाकिस्तान न्यूट्रल रहा, आपकी बात से मुझे याद आ गई ये वाली बात कि उन्होंने कहा पाकिस्तान अभी न्यूट्रल है, तो पाकिस्तान ने न्यूट्रल होकर ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है और ना ही बनना चाहता है, ना अमेरिका का ना रशिया का, अभी वो बिल्कुल न्यूट्रल है। और उस पर बहुत दबाव है कि वो किसी एक को चुने, या तो अमेरिका को या रशिया को, और सेम यही दबाव इंडिया पर भी है, सेम यही दबाव, इसी तरह का सेम दबाव इंडिया पर भी है कि वो चाहते हैं कि इंडिया भी किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बने। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अगर ज्वाइंट प्रोजेक्ट भी था इनका, इंडिया और पाकिस्तान का, कि हम अपने मामलात में थोड़ा उलझते हैं ताकि हमें प्रश्न ना बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में भी इंडिया बाजी ले गया, अपने ब्रह्मोस मिज़ाइल को उन्होंने थोड़ा सा और प्रमोट कर दिया और पाकिस्तान के जो रडार सिस्टम है, या मतलब पहले तो उनकी एक सारी प्लानिंग हुई होगी, लेकिन उस प्लानिंग का जो नक्शा खींचा गया होगा उसमें भी इन फ्यूचर इंडिया ने अपनी अपनी चीज़ों को नोट किया। बस बस बार बार खान सर कह तो रहे हैं कि बैल बैल बैल, तो वो समझते हैं कि ये बैल हैं, तो हमने इनके साथ मिलकर भी अगर कुछ करें तो अपने ही बेनिफिट, फ्यूचर के बेनिफिट उन्होंने देखे जो पाकिस्तान के उस वक्त समझ में नहीं आए, लेकिन अभी मतलब मेरे ख्याल में खान सर की वीडियो के बाद शायद इन्हें अच्छा, समझ में आ जाएंगे। और बात ये जो आया और भी चला गया, तो वाकई वाहवाही हो गई ना कि यार इनके पास तो ये मार सकते थे, मार गिरा सकते थे, लेकिन इनके पास इतनी पावरफुल मशीन, और फिर वो चाइना पर भी असरअंदाज हुई ये बात, क्योंकि हमने जो भी लिया था, जो भी वेपन, जो भी चीज़ें ली थी उनसे ली थी, अब ये साबित हो गया कि चाइना के जो बना रहा है, चाइना जो हथियार बनाता है, जो वेपन्स बनाता है, जो चीज़ें बनाता है मिसाइल जैसी, तो वो उससे ज़्यादा पावरफुल तो इंडिया के पास है, क्योंकि इंडिया का एक मिसाइल चाइना के लिए भी चीज़ें
दिमाग नहीं गिरा सके, उनकी मशीन्स उनकी जो भी थे वो नहीं गिरा पाए, तो इसका मतलब वो तो नाकिस हो गए ना। और इंडिया का जो ब्रह्मोस है उसकी एक समझे एडवर्टाइजमेंट हो गई, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो गई, ज़्यादा वाहवाही हो गई। और कितने कंट्रीज़ वो बता रहे हैं वियतनाम यहाँ वहाँ, हम तो वैसे ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रह्मोस को। तो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा ये वाली बात भी उन्होंने बहुत अच्छी कही, मैं बहुत सोचती थी और मैं सोच भी रही थी कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जिन लोगों को ये खुद भेज रहे हैं, चलिए ये तो सत्यानाश हो चुका है, बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है, जिनको ये भेजे हैं वो भी चाहे तो एक ले, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू 100 बना लें, 1000 बना लें। लेकिन उन्होंने कहा ये इतना ईजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, हम जिनको दे रहे हैं क्या वो नहीं बना सकते, लेकिन वो हमसे क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसको बनाना इतना बिल्कुल ही हलवा नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर पाकिस्तान ये सोच रहे हैं कि इसको बना पाएगा तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने ये भी नोट किया कि चार चार दिन बाद इन्हें होश आ रहा है कि हमारे यहाँ पे एक मिसाइल आया इंडिया का। इससे पहले कश्मीर की साइड पे जो जहाज़ आए थे और चले गए थे तो उस पर कितनी न्यूज़ बनी थी, कितना वाबिला हुआ था। फिर पाकिस्तान के जहाज़ सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, कितने इश्यूज़ हुए थे। एक सबमरीन जो थी, एक आबदोज जो थी, वो इंडिया की पाकिस्तान की सरहद पे आई थी, तो उसकी छोटी सी वीडियो इन्होंने बनाई, उसका इतना वाबिला किया कि हम इस आबदोज को, हम इस सबमरीन को तबाह कर सकते थे, हमने तबाह नहीं की, इस वजह से नहीं की कि जंग हो सकती थी। तो एक मिज़ाइल एक कंट्री में अंदर आके हिट कर जाता है, उसका कोई भी रिएक्शन इतना बड़ा नहीं है, और ज़रा ज़रा सी कोई सरहदों के करीब से कोई चीज़ दिख जाती है उस पर इतनी न्यूज़ बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इशू था ये इस वक्त की ज़रूरत था दोनों देशों के ऊपर, जो प्रेशर है उसे कम करने के लिए। और उस ज्वाइंट प्रोजेक्ट को भी इंडिया ने अपने बेनिफिट्स में इस्तेमाल किया है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को इस मामले में भी उन्होंने अपनी चीज़ को हाईलाइट कर दिया। बेहतर लगे शायद कोई हिडन इंटेंशंस नहीं होंगी पहले, उन्होंने मतलब बहुत सोच विचार करके ऐसा नहीं किया होगा कि जी ये आप करना है हमें करना, रिजल्ट तो आने होते हैं फिर भी। हाँ, लेकिन वो जो इम्पैक्ट पड़ा ना, वो इम्पैक्ट ऐसा पड़ गया कि ब्रह्मोस का बड़ा ही पॉजिटिव मतलब एक बाबेला हो गया उसका। और हमारे यहाँ ये हो गया कि हमारे इतने नाकिस इंतजाम हैं, सिस्टम है, कि हम उसको मार गिरा नहीं पाए एक सेकंड में ही। पहले सेकंड में हमें तो उसे तबाह बर्बाद कर देना चाहिए था, 4 मिनट तक वो घूमता रहा दोनों पॉइंट्स इंडिया की तरफ ही बढ़ गए दोनों पॉइंट्स। और हाई वैल्यू जो सिटीज हैं, जो टारगेट्स हैं, उनके ऊपर से गुजरा है वो बाकायदा, अगर वो वहाँ ब्लास्ट हो जाता तो यानी कि मकसद उनका ही नहीं था, जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, उन्होंने ही ऐसे रास्ता दिया गया, ऐसा समझ लें कि रास्ता दिया गया। खैर, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये, हमारी एक क्या कहेंगे, एक एज्यूम्पशन है, एक हमारे एक ख्याल है कि हो सकता है कि इस तरह का भी एक प्लान हो, जो कि बाकायदा बाहर ये बातें रिवील नहीं होती, अंदर की बातें होती हैं। खैर दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, खान सर ने बड़ी डिटेल से इस चीज़ को समझाया। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।